सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हैं आप लोग? तो बिहार इंजीनियरिंग 2023 सभी बच्चों का जेई मेंस का रिजल्ट आया हो, चाहे सेशन टू के बच्चे हो या सेशन वन, सभी बच्चे अभी ये सोच रहे होंगे कि हमें एडमिशन लेना है। बहुत सारे बच्चों का होम स्टेट बिहार होता है और बिहार के जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें एडमिशन लेने का सभी बच्चे अभी सोच रहे हैं और अभी ब्रांच डिसाइड कर रहे हैं, कॉलेज डिसाइड कर रहे हैं कि किस में भैया हमको एडमिशन लेना है। ऐसे में सभी के मनों में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि बिहार से इंजीनियरिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में जरूर उठ रहा होगा कि बिहार से इंजीनियरिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो बिहार स्टेट है, ये बिहार वर्ड सुन के ही हमें एजुकेशन का थिंकिंग नहीं आता। कभी भी जब आप बिहार वर्ड सुनिएगा तो आपको ये नहीं सोचिएगा कि बिहार में भी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन पॉसिबल है। और यही वजह है कि लोग ये जरूर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या बिहार से इंजीनियरिंग कॉलेज, बिहार के जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हैं, 38 हैं, इससे हमें इंजीनियरिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि बिहार से इंजीनियरिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले चैनल पे अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे सभी लोग और लाइक कर दे, क्योंकि बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऑल अपडेट आपको एस्पेक्ट विजन सबसे पहले देते रहेगा। दूसरी बात, सभी बच्चे जाके व्हाट्सएप ग्रुप में मस्ट ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में बिहार इंजीनियरिंग 2023 का व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बिहार इंजीनियरिंग की। बिहार में टोटल 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है गवर्नमेंट। हम लोग किसका बात कर रहे हैं बाबू? गवर्नमेंट का ही बात कर रहे हैं, हम लोग अभी प्राइवेट की बात नहीं करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट की बात करेंगे। बिहार में टोटल 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब इस 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में चार फैक्टर में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले प्लेसमेंट फैक्टर पे, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा स्किलफुल एनवायरमेंट, चौथा गेट टारगेट। तो देखिए इंजीनियरिंग क्या हुआ, बीटेक हुआ, बीटेक कर रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी चीज है प्लेसमेंट। तो बिहार में जो 3800 कॉलेज है, क्या 3800 कॉलेज से प्लेसमेंट होता है, आपको ये जानना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले हम बता दें जो बिहार के टॉप 10 कॉलेज हैं, टॉप 10 कॉलेज कौन कौन से है भैया, वीडियो को पूरा देखिए आपको सब चीज समझ में आएगा। सबसे पहले MIT मुजफ्फरपुर, ठीक है, MIT मुजफ्फरपुर फर्स्ट नंबर पे आता है। दूसरा BC भागलपुर सेकेंड नंबर पे। तीसरा NC चंडी थर्ड नंबर पे। BC बख्तियारपुर, इसके बाद फिर आपका आएगा GC गया, इसके बाद आप रख सकते हैं LNJPT हो गया, RRDC हो गया, फिर आपका हो गया पूर्णिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, MCE हो गया, मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये सभी कॉलेजेस आपके टॉप 10 कॉलेजेस में आते हैं, ठीक है। इन टॉप 10 कॉलेजेस का प्लेसमेंट रेट बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन, यानी कि अगर इसमें एडमिशन आपको मिल गया तो प्लेसमेंट के लिए आपको सोचना नहीं है। सभी कॉलेजेस का प्लेसमेंट रेट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, खासकर MIT भागलपुर चंडी बख्तियारपुर इन सब कॉलेजेस का प्लेसमेंट रेट बहुत हाई है। आप एवरेज पैकेज भी देखिएगा वहां का तो आपका 8-9 लाख रहता ही, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 20-22 लाख तक जाता है, और भागलपुर हो गया, MIT हो गया, ये सब की बहुत ही बेहतरीन पोजीशनिंग। तो अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, आंख बंद करके कीजिए, आंख बंद करके इंजीनियरिंग कीजिए, आप बिहार से कोई दिक्कत नहीं है, स्टीरियोटाइप को आप तोड़ दीजिए और बिहार से भी अच्छी शिक्षा हम लोग ले सकते हैं थ्रू दिस कॉलेज। अब बात आती है कि इन 10 कॉलेज में एडमिशन के लिए तो हमको चाहिए एकदम 85% अभव या 80% अभव, तो उतना रहेगा तब ना ये कॉलेज मिलेगा। अब उतना नहीं है तो क्या होगा, उतना नहीं है तो आपको बाकी के जो 28 कॉलेज मिलेंगे बने हुए हैं उस 2800 कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो क्या इसमें प्लेसमेंट होती है इन 28 कॉलेज में? तो ध्यान से देखिए, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ब्रांच के ऊपर। देखिए सिविल ब्रांच से हैं, अगर आप सिविल ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपको प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं, क्योंकि सिविल ब्रांच में प्लेसमेंट उतनी नहीं होती है किसी भी कॉलेज में, क्योंकि ये प्लेसमेंट वाला ब्रांच ही नहीं, ये गवर्नमेंट जॉब वाला ब्रांच है। सिविल ब्रांच से आप बहुत सारी वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट जॉब की, आप उसमें जाइएगा तो उसमें प्लेसमेंट नहीं चाहिए होगा। प्लेसमेंट किसके किसमें चाहिए होगा? CSE, CSE, EC इन सभी ब्रांच में, IT इन सभी ब्रांच में आपको प्लेसमेंट चाहिए होगा। तो देखिए ये CSE ब्रांच अभी 2800 इंजीनियरिंग कॉलेज में इंट्रोड्यूस किया गया है फ्रॉम द ईयर 2023।
तो इसका प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो होगा अभी किसी को नहीं पता है, बट मुझे इतना विश्वास है कि अगर बिहार सरकार ने 2800 कॉलेज में सीएससी को इंट्रोड्यूस किया है तो इसके प्लेसमेंट के बारे में वो कुछ सोच की ही रखी होगी, तभी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और ऐसे भी बिहार सरकार का प्लेसमेंट पिछले कुछ सालों से, 3-4 सालों से बहुत ज्यादा इनहांस किया हुआ है। इन 2800 कॉलेज में भी काफी अच्छी खासी प्लेसमेंट आती है, 6-7 लाख 8 लाख का प्लेसमेंट जाता है हमेशा, ठीक है, जब ये सीएससी नहीं था तब, अब तो सीएससी आ गया है तो इस प्लेसमेंट को अच्छे से और इन्हांस करेगी सरकार, ये बात सही है, ठीक है। चलिए, ये तो था प्लेसमेंट फैक्टर। दूसरा फैक्टर है भैया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो बिहार गवर्नमेंट की जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, 3800 इंजीनियरिंग कॉलेज, सब में आपको बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बेहतरीन, क्योंकि उनमें से 20-25 कॉलेज तो एकदम न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। और न्यूली कंस्ट्रक्टेड कॉलेज को आप देखिएगा तो लंबा चौड़ा कैंपस, प्रॉपर हॉस्टल, 3-4 हॉस्टल का कॉलेज में होते हैं, बिल्डिंग से लेकर सभी चीज आपको सुविधा वहां पे मिलेंगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई जोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं है, इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दे के रखी है। आप YouTube पे जाके किसी भी कॉलेज का, जमुई हो, मुंगेर हो, लखीसराय हो, किसी भी कॉलेज का आप देख लीजिए वीडियो, आपको मिल जाएगा, आपको यकीन नहीं होगा कि ये कॉलेज बिहार में, इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने प्रोवाइड करा है। तो इसके फैक्टर को ध्यान में रखते हुए तो आप एकदम कीजिए बिहार से, कोई दिक्कत वाली नहीं है। तीसरा है भैया स्किलफुल इन्वायरमेंट। अब स्किलफुल इन्वायरमेंट कब रहेगा? तभी रहेगा जब कॉलेज में बच्चे मौजूद रहेंगे, यानी कि अटेंडेंस पूरी होगी, बच्चे ज्यादा मौजूद रहेंगे, ज्यादा इंट्रैक्शन होगा, ज्यादा प्रोग्राम होगा, स्किल बढ़ेंगे। तो देखिए अभी बिहार सरकार ने 75% अटेंडेंस को कंपलसरी कर दिया, हर एक कॉलेज में बायोमेट्रिक सिस्टम लग गए हैं, जिसके वजह से सभी कैंडिडेट को 75% अटेंडेंस करना ही पड़ता है। और इस अटेंडेंस के चक्कर में ये एक बेनिफिट हुआ है कि कॉलेज में स्टूडेंट मौजूद रहते हैं एनी टाइम, और जब स्टूडेंट मौजूद रहेंगे इंट्रैक्शन बढ़ेगा, और सरकार बीच बीच में हर एक साल, हर एक मंथ कुछ ना कुछ प्रोग्राम हर एक कॉलेज में करते रहती है। जैसे अभी बिहार स्टार्टअप डे पे एक स्टार्टअप का प्रोग्राम हुआ सभी 3800 इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसमें मोटिवेट किया गया कि आप कैसे स्टार्टअप फॉर्म कर सकते हैं और कैसे स्टार्टअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड ये सभी चीज बहुत ही उच्च लेवल तक कर रही है बिहार सरकार, तो बहुत अच्छी बात है, सारा चीज को इनहांस कर रही है डे बाय डे, ठीक है। चौथा है भैया गेट टारगेट। देखिए जितने भी बच्चे बीटेक करते हैं उनका एक ना एक मेन प्राइमरी टारगेट होता है गेट, ठीक है। ये एक ऐसा एंट्रेंस है जिसके थ्रू आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं फ्रॉम आईआईटी एनआईटी, ठीक है। अभी आपका सपना नहीं पूरा हुआ आईआईटी एनआईटी जाने का तो कोई बात नहीं, आप बीटेक करके भी पूरा कर सकते हैं गेट के थ्रू, जिसमें आप एमटेक कर सकते हैं फ्रॉम आईआईटी एंड एनआईटी। दूसरी बात, बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर, बहुत सारे पीएसयूज में जॉब लगते हैं थ्रू गेट, तो ये एक ड्रीम होता है इंजीनियर्स का, हर एक इंजीनियर का ये एक सपना होता है गेट। तो देखिए आप एनआईटी से करें, आईआईटी से करें, या बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से करें, सबको एलिजिबल तो है गेट से, कॉलेज में भी पढ़ाई होती है, अच्छे लेवल की होती है, थोड़ा सा इफर्ट आपको भी डालना पड़ेगा तो 100% निकलेगा, 100% निकलेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये चार फैक्टर पे मैंने डिस्टिंग्विश किए हैं बिहार के 3800 इंजीनियरिंग कॉलेज को। अब बात आती है कि सर कंक्लूजन बताइए ना, क्या एडमिशन लेना चाहिए, बिहार से इंजीनियरिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अब वो बिहार बदल चुका है, यहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो अब पहले जैसी नहीं रही, काफी इंप्रूव कर गई है, और हर एक जिले में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रहना ये अपने आप में एक बड़ी बात है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। पिछले आप पीछे 10-15 साल पहले चले जाइए तो मात्र एक भागलपुर था, एक MIT था, एक चंडी था, सबसे पुराने कॉलेज तो यही है, और एक गया था, छपरा हो गया, मतलब 4-5 ही कॉलेजेस थे पूरे बिहार में, बट आज 3800 जिला में एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये एक बढ़ावा दिया है, आपको दिख रहा होगा कि सरकार किस लेवल से बढ़ावा दे रही है, क्योंकि एक कॉलेज बनने में बहुत पैसा खर्च होता है, एक एक कॉलेज का बजट जो है 100 करोड़ 110 करोड़ 120 करोड़ ऐसे होते हैं, तो अगर इतना पैसा सरकार इन्वेस्ट कर रही है तो फालतू में तो नहीं कर रही है, वो चाहती है कि बिहार से भी अच्छे इंजीनियर्स निकले। तो मेरे ख्याल से अगर आपको एडमिशन लेना है बिहार इंजीनियरिंग में तो आंख मूंद के लीजिए, बस ध्यान ये रखना है आपको कि आपको ब्रांच अच्छा चूज करना है, ठीक है, क्योंकि कॉलेज आपके साथ, मैं हमेशा ये बात स्टूडेंट को बोलता हूँ कि कॉलेज आपके साथ 4 साल ही रहेंगे, ब्रांच आपके साथ जिंदगी भर रहेगा, ठीक है। आपके साथ कोई टैग लग गया कि इस ब्रांच से आप हैं तो वो जिंदगी भर आपका टैग रहेगा, जिंदगी भर कोई वैकेंसी आए, कुछ भी प्रिपरेशन आप करें तो वो ब्रांच का ही करना पड़ेगा आपको। कॉलेज तो आप 4 साल में निकल जाएंगे बट ब्रांच विल रिमेन फॉर एवर इन योर लाइफ।
तो इसीलिए ब्रांच सिलेक्शन काफी अच्छे से करें, रिसर्च कर ले, और एक वीडियो हम लाएंगे बेस्ट ब्रांच के ऊपर जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे आपको सिविल, सीएससी, ईसी, ट्रिपल ई, डबल ई सब के बारे में, तो उससे भी आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, चैनल को मस्त से मस्त सब्सक्राइब कर ले ताकि सारा अपडेट आपको मिलते रहे, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको यह कंफ्यूजन जरूर क्लियर हो गया होगा कि बिहार में एडमिशन लेना चाहिए इंजीनियरिंग में या नहीं लेना चाहिए। तो सभी एस्पायरेंट को, सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छा कॉलेज मिले, काफी अच्छा ब्रांच मिले और अपने लाइफ में आप बहुत आगे बढ़े। ठीक है, थैंक यू सो मच, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।